वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको उद्धव तुम हो अति बड़भागी इस पद के सभी बहुविकल्पी प्रश्न बता रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न है उद्धव हो अति बड़भागी, यह पद कौन से कवि का है? यह लिखा है सूरदास जी के द्वारा। थोड़ा रेफरेंस मैं इसके बारे में बता देती हूँ। जब गोपियाँ जो थी वो कृष्ण की विरह की अग्नि में जल रही थी, तो कृष्ण जी ने उद्धव जी को योग का संदेश देने के लिए गोपियों के पास उद्धव जो उनके दूत थे उन्हें भेजा था। यहाँ पर उद्धव जो हैं उद्धव हैं। प्रश्न है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, यह कथन किसका है? गोपियाँ कहती हैं यह कथन। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? उन्हें कड़वी ककड़ी के जैसा योग का संदेश लगा था। गोपियों के अनुसार राजनीति में निपुण कौन हो गया है? उनके अनुसार श्री कृष्ण जी राजनीति में निपुण हो गए हैं। गोपियों के लिए व्याधि क्या है? व्याधि का मतलब होता है बीमारी, कोई भी डिजीज़ जो होती है यह रोग होता है। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? जो चंचल मन के लोग हैं उनके लिए योग की शिक्षा उचित है। सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखना है? सच्चा राजधर्म प्रजा को सुखी रखने जैसा है। श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते समय ब्रज से किसका मन चुरा करके ले गए थे? तो गोपियों का मन चुरा करके ले गए थे। सूरदास का जन्म किस सन में हुआ था? सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। सूरदास का निधन किस सन में हुआ था? सूरदास का निधन सन 1583 में हुआ था। सूरदास के कवि की भाषा कौन सी है? उनके कवि की भाषा है ब्रज। सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ पर अपरस का क्या अर्थ है? अपरस होता है नीरस, बोरिंग, जिसमें कोई बोर हो जाए वैसा नीरस। पुरैनिपात किसका पत्ता होता है? कमल का पत्ता होता है। गुर चाटी जो पागी में गुर है, गुर क्या है यहाँ पर? गुर का तात्पर्य होता है गुड़। गुड़ गन्ने से बनाया जाता है, गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है। प्रीति नदी में पाउन बोरो, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें रूपक अलंकार है। मन की मन ही मांझ रही, यह दशा किसकी है? यह दशा है गोपियों की। अवधि आधार आसी आवन की, इसमें अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। उतते धार बही में किस चीज़ की धार बह रही है? योग की। हारिल कौन है? हारिल एक तरह का कबूतर के जैसा हरा पक्षी होता है। समुची बात कहत मधुकर में के में मधुकर कौन है? मधुकर यहाँ पर उद्धव जी को कहा है, भौंरा उद्धव जी को कहा है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण क्या पढ़ के आए हैं? उनके अनुसार श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। उद्धव भले लोग आगे के में आगे के क्या है? आगे के हैं पहले के, यानी पुराने लोग। गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या वापस चाहती हैं? वो अपना मन वापस चाहती हैं। अति बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को कहा गया है।
चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ किसका नाम रटती रहती हैं? कृष्ण का। किसके न आने से गोपियाँ व्याकुल हैं? कृष्ण के न आने से। सुनत जोत जोग लागते हैं ऐसो ज्यों को रही ककरई में, कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्यों है? ज्यों, जैसा तुलना की गई है इसलिए उपमा अलंकार है। विरहिणी विरह दधि में दही का अर्थ क्या है? दही का अर्थ होता है जलना, विरह की आग में जलना। अपरस रहत स्नेह तगा दे, यहाँ पर तगा का अर्थ है धागा। सूत व्याधि हम को ले आए में व्याधि का क्या अर्थ है? बीमारी यानी रोग। गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती थी? योग संदेश को सुनना वो नहीं चाहती थी। हारिल पक्षी की क्या विशेषता है? वो पैरों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़ के रहता है। चाहती होती गुहारी में गुहारी शब्द का क्या अर्थ है? गुहार लगाना यानी रक्षा के लिए पुकारना। गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया था? कृष्ण। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? श्री कृष्ण। अब वो कहती हैं कि तो पहले से ही चतुर थे, अब तो और भी चतुर हो गए हैं, और अब हम इनकी बात कैसे मान लें जब वो हमारा मन चुरा करके ले जा चुके हैं। तो ये आज मैंने आपको MCQ बताए हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस भी कर लीजिए जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। इसके अलावा जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ गलत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप अच्छा फीडबैक देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और अगर आपको बुरा भी लगा है तो भी मुझे बता देना वीडियो बुरा क्यों लगा है, दैट्स नो प्रॉब्लम। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आप चैप्टर इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, तो मैं आपको वो सारे चैप्टर्स पढ़ा दूँगी। और इसके अलावा यदि आपको जो लघुत्तर होते हैं यानी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं अगर वो भी पढ़ने हैं तो मुझे उस चैप्टर का नाम बताना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।